नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी और आज मेरे इस कार्यक्रम में एक विशिष्ट हस्ती शामिल होने वाली है। वो एक ऐसी हस्ती है जिसने अमेरिका में जाकर हिंदी के झंडे गाड़े। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 4 सम्मेलन उन्होंने हिंदी के किए और हिंदी की स्थापना के लिए, हिंदी की पुनर्स्थापना के लिए अमेरिकी मंच पर बहुत काम किया। मेरे साथ हैं श्री अशोक ओझा जी। अशोक ओझा जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अशोक जी की प्रशंसा में क्या बात कही जाए। बात यह कि अशोक ओझा जी के साथ ये मेरा सौभाग्य है कि हमने साथ साथ में एक ही अखबार में, नवभारत टाइम्स में मुंबई में कार्य किया। अशोक ओझा जी न्यू जर्सी में रहते हैं, पत्रकार हैं, शिक्षक हैं और वे 2 एनजीओ संचालित करते हैं, युवा हिंदी संस्थान और वैश्विक स्तर पर हिंदी संगम फाउंडेशन। दोनों ही संस्थाएं हिंदी के प्रचार के लिए समर्पित है। अमेरिका में बसने के पहले अशोक ओझा जी नवभारत टाइम्स मुंबई में थे और साथ ही डॉक्यूमेंट्री बनाते थे, स्क्रिप्ट लिखा करते थे और अमेरिका जाकर भी उन्होंने यही कार्य जारी रखा। न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में इंटरनेशनल अफेयर्स प्रोग्राम से वे जुड़े और 4 अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन कर चुके हैं और हिंदी के प्रचार के लिए स्टार्टअप हिंदी प्रोजेक्ट के वे प्रमुख भी हैं। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अशोक जी, सबसे पहले ये सवाल जानना चाहता हूँ कि अमेरिका में आपने हिंदी के जो झंडे गाड़े, इसकी प्रेरणा क्या थी? क्या ये प्रेरणा थी कि अमेरिका में हिंदी साहित्य, हिंदी संस्कृति, भारतीय संस्कृति पले बढ़े, तेजी से विस्तार हो? कौन सी प्रेरणाएं थी कि आपको लगा कि अमेरिका में जाकर भी अमेरिकी रंग में रंगने के बजाय, अंग्रेजी दा होने के बजाय हिंदी के ही प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाया जाए? अशोक जी, आपका जवाब सुनना चाहूंगा। धन्यवाद प्रकाश जी। मेरा सौभाग्य है और मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि आपके साथ जुड़ रहा हूँ और आपने मुझे याद किया अपने चैनल में। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने जो प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी को कई स्तरों पर प्रयोग किया है और आज हम जिस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, मैं कहना चाहूँगा निसंकोच कई मामलों में आपका अभिनव जो कार्य है प्रौद्योगिकी को, हिंदी को प्रौद्योगिकी के माध्यम से आगे बढ़ाने का, इतना ज़्यादा काम अमेरिका में भी बहुत कम हुआ है। और बड़ी बात यह है कि आप इस प्रौद्योगिकी के सुविधाओं को आम लोगों तक आपने पहुंचाया है और मैं समझता हूं पिछले कुछ वर्ष पहले आपको पीएचडी मिली है, इसके लिए भी बधाई हो आपको। जी धन्यवाद। ये है प्रकाश जी, आपको याद होगा और मुझे वे दिन भी याद हैं जब हम मुंबई में, आप रविवार संस्करण में थे, मैं रिपोर्टर था खास तौर से मंत्रालय और नगर पालिका का, लेकिन हम दोनों का जो काम काज अलग अलग था, फिर भी हम एक पत्रकार के रूप में जुड़े थे और मन ही मन मैं हमेशा आपकी प्रशंसा किया करता था, ये मैंने आपसे कभी कहा नहीं। और 80 के दशक में मैं नवभारत टाइम्स में जुड़ा रहा, 90 के प्रारंभ में उससे अलग हुआ, जिसे आप जानते हैं। थोड़ा सा मैं जानकारी देना चाहूँगा, 90 के दशक में मैंने सोचा कि प्रिंट मीडियम यानी अखबार से आगे निकले जाए क्योंकि समय बदल रहा था। मैंने वीडियो टेक्नोलॉजी में पत्रकारिता को समावेश किया और बहुत सारे स्क्रिप्ट लिखे, भारत सरकार फिल्म डिवीजन, दूरदर्शन। उसके बाद मैं लार्सन एंड टुब्रो कंपनी का कॉरपोरेट फिल्म डायरेक्टर बना, उनका वीडियो हर 3 महीने निकला। ये हुआ 1994 से लेकर 1998 2000 तक, हर 3 महीने पर मैंने ECC चैनल नामक कार्यक्रम को, जिनमें कि इंजीनियरिंग के बहुत सारी बातें बताई जाती थी, उसको मैं प्रस्तुत करता था और उसको भी एक पुरस्कार मिला था एसोसिएशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज ऑफ इंडिया। मेरी अंतिम फिल्म भारत में प्रकाश जी 2000 में बनाई थी मैंने खुजराहो पर, जिसमें कि के महाजन हमारे बहुत ही जाने पहचाने
ये थे सिनेमेटोग्राफर हमारे साथ थे जी। उसके बाद मैं सक्रिय हो गया अमेरिका में, क्योंकि मैं न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में समाज शास्त्र पढ़ने आ गया था। और उसके बाद फिल्म का काम भारत में चल रहा था, लेकिन मैं ज्यादा समय अमेरिका में दे रहा था। और यहाँ पर 2000 के आसपास मैं सेटल हो गया, बस गया। और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से उपाधि लेने के बाद स्नातक की, मैं barnesandnoble.com जो इंटरनेट वेबसाइट था, पोर्टल ई कॉमर्स का, उसका रिव्यू एडिटर बन गया। हाँ, ये सही है कि पूरा काम वहाँ अंग्रेजी में होता था, मैं अपने को अंग्रेजी का नहीं मानता हूँ। आपकी जानकारी के लिए, जब मैं 19 वर्ष का था तो मैंने एक प्रतिज्ञा की थी कि मैं हिंदी में अपना कार्य करूंगा, यानी कि हिंदी प्रोफेशनल बनने का। लेकिन आपने तो चीन में जाकर अंग्रेजी भी सिखाई है अशोक जी, आप हिंदी ये क्या कहानी है? आप अमेरिका गए, वहां हिंदी का कार्य किया और चीन में जाके आप अंग्रेजी पढ़ाने लगे, ये क्या कहानी है? नहीं, आप ये कह सकते हैं कि न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में सब कुछ अंग्रेजी में पढ़ना था, तो समाज शास्त्र का अध्ययन करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मामलों पर राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों विषयों बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत सारी मैंने ग्रेड्स लिए, हमेशा हर विषय में ए ग्रेड मिलता था, ये मेरा सौभाग्य है। और उसके साथ साथ मेरी नौकरी चलती रही बांस नंबर, वहां भी सब कुछ अंग्रेजी में था, रिव्यू लिखना किताबों का, उससे पुस्तकों से नाता जुड़ा रहा। लेकिन थोड़ी बात की बात है, अंग्रेजी में मैं रिपोर्टिंग भी करता था, यहाँ पे एक अखबार निकलता था पहले, अभी भी करता हूँ कभी कभी, तो अंग्रेजी में लिखना तो एक अनिवार्यता थी, एक मजबूरी कह लीजिए, लेकिन मेरा दिल बसता था हिंदी में। हिंदी में मुझे काम करने का बड़ा मन था। ये अवसर आया 2009 में जी। हुआ ये कि 2009 में बार्नेस एंड नोबल का जो प्रौद्योगिकीकरण हो रहा था उसमें रिव्यू एडिटर की जगह खत्म कर दी उन्होंने, तो मेरे पास कोई कार्य नहीं था। तभी मालूम पड़ा कि जॉर्ज बुश जो राष्ट्रपति थे उन जमाने में, उन्होंने पूरी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को मतलब ओवरऑल किया, बदला, और ये तय किया कि जो पूरब की भाषाएं हैं, एशिया की भाषाएं हैं, चीनी, अरबी, फारसी, उनको प्रोत्साहित करें। उस सिलसिले में 2009 में हिंदी शिक्षक के रूप में अपने आप को प्रशिक्षित करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया गया, वहीं पर डॉक्टर गंभीर दंपति से मुलाकात हुई। लेकिन मेरा अंग्रेजी में लिखने का काम चल रहा था, और अंग्रेजी तो एक अनिवार्यता है, जैसे कि मैंने कहा। उसी में मैंने एक आवेदन किया था, इंग्लिश है सेकेंड लैंग्वेज यहाँ स्कूल में पढ़ाते हैं, उसके शिक्षक के रूप में मेरा चुनाव हुआ चीन जाने के लिए। चीन में एक बहुत ही सुंदर जगह है युंगान, वहां गया था, वहां पर उनका जो समर प्रोग्राम है, ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम, उसमें मैंने अंग्रेजी पढ़ाई थी। और अंग्रेजी पढ़ाने का ढांचा यहाँ अलग है, बाद में हम बात करेंगे कैसे औपचारिक भाषा और अनौपचारिक भाषा के मापदंड बने हुए हैं। तो उनका पालन करते हुए मैंने युंगान में एक 20-25 दिनों के लिए वहां के कार्यक्रम में गया था, वहां पर अंग्रेजी पढ़ाई थी। एक बड़ी दिलचस्प बात यह अशोक, देखिए आज का दिन बड़ा विशिष्ट है, आज 9/11 है, 20 साल पहले आज के दिन न्यूयॉर्क में बड़ा हादसा हुआ था या किया गया था घटनाक्रम, अभी भी लोगों के दिलों में उसके जख्म बाकी हैं। आज ही के दिन 9/11 सितंबर के दिन ही स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में वो ऐतिहासिक भाषण दिया था, और ये हिंदी सप्ताह चल रहा है, और आज हम दोनों हिंदी के बारे में बात कर रहे हैं कि अमेरिका में हिंदी की स्थिति क्या है, अमेरिका में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं मुख्यतः, और हिंदी की स्थिति क्या है उसमें, कुछ इस बारे में बताइए। हाँ जरूर, तो 2010 से 2021 तक का जो मेरी यात्रा है, हिंदी यात्रा, उस पर हम थोड़ी बाद में बात करते हैं। आपने सही कहा कि आज के दिन जो कि 911 के नाम से जाना जाता है, एक दुखद प्रकरण है अमेरिका के जीवन में, और आज 911 है। हर वर्ष यहाँ पर पिछले 20 वर्षों से उसकी याद में छोटे मोटे समारोह होते हैं। हम लोग न्यूयॉर्क से बहुत नज़दीक हैं, एडिसन शहर में भी एक स्मारक बना हुआ है, वहाँ भी कार्यक्रम है। तो यह सही है कि 911 के कारण पूरी अमेरिकी नीति, विदेश नीति, सुरक्षा नीति, और यहाँ का पूरा, यहाँ पर उसके बाद में एक नया मंत्रालय बना, होमलैंड सिक्योरिटी,
तो पूरा जो एक सिस्टम कहते हैं वो बिल्कुल बदल गया। हालांकि बहुत सारी अच्छी बातें हुई, लेकिन जो अच्छी बातें नहीं हुई, अमेरिका से बाहर जा करके युद्ध करने की, उसके मैं समर्थक नहीं हूं, लेकिन ये सब हुआ। आज इसीलिए ये दिन इतना महत्वपूर्ण है अमेरिका में। कभी 911 को हर वर्ष मनाने का सिलसिला कम नहीं होगा, और कई तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं। आज भी आप जाएं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तो पूरा पुनर्निर्मित हो गया है, पहले से भी ज्यादा अच्छा बन गया है। ये कहते हैं अशोक जी कि 9/11 के बाद अमेरिका की सरकार ने अपनी शिक्षा नीति में बदलाव किए, हिंदी और भारतीय भाषाएं, दूसरी भाषाएं भी पढ़ाने की तरफ ध्यान दिया गया, ये क्या कहानी है? हाँ, मैं उस पर कहूंगा, एक बात मैं बताना चाहता हूं कि कल है 12 सितंबर और जी 14 सितंबर को हिंदी दिवस है, यानी कि हमारे संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा, प्रयास तो था कि राष्ट्रभाषा बनाएंगे, दुर्भाग्यवश उसका राजनीतिकरण हो गया और हिंदी राजभाषा बन के रह गई। और आप देख रहे हैं 75 वर्ष हो गए, अभी तक हिंदी की जो डिजर्विंग है, जो जगह चाहिए, वो नहीं मिली है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, खासतौर से अमेरिका में बैठे हुए, हम देख रहे हैं कि हिंदी को कैसे आगे विस्तारित होने का, समृद्ध होने का अवसर मिला। ये बात अलग है कि ये अवसर हम खोते जा रहे हैं। लेकिन एक बात और बता दूं कि कल हमारी संस्था की ओर से हिंदी दिवस कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी बातें होने वाली हैं। यहाँ न्यूयॉर्क के जो प्रधान कौंसुल जी, वो भी आएंगे, और बाहर से लोग आ रहे हैं। ये भी हिंदी संगम फाउंडेशन का कार्यक्रम है, उसमें हमने एक पत्रिका भी निकाली है। ये सब जानकारी मैं बाद में दे सकता हूँ आपको। फिलहाल मैं कहना चाहूंगा, जैसा कि आपने पूछा, अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के अंतर्गत एक विषय है कि भाषा के बारे में क्या नीति होनी चाहिए। भाषा जी राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, पता नहीं भारत में इसको मानते हैं नहीं मानते। हाँ इसके अंतर्गत ठीक है अंग्रेजी पहली भाषा है, दूसरे नंबर पे आती है स्पेनिश, लेकिन अमेरिका जो देश है ये जी अनेक विविध, दुनिया के विविध समाज का एक प्रतिबिंब है। यहाँ हर देश के लोग मिलेंगे। अब हाँ जैसे यहाँ अभी 50,000 अफगान के लोग आ रहे हैं, तो एक समाज का एक न्यू यहाँ पड़ गई। सोमालिया के रिफ्यूजी आए हैं, बहुत देशों के। हाँ तो इस प्रकरण में जॉर्ज डब्ल्यू बुश की बात मैं कर रहा था, 9/11 के बाद जो राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में बदलाव हुआ, एक बदलाव यह जी था कि समय आ गया है जब यूरोप की भाषाओं पर ध्यान देने के बदले, यानी कि जर्मन फ्रेंच तो बहुत सालों से चल रहा था, इनकी भाषा है क्योंकि पहले के जो विस्थापित थे वहीं से आए थे, उन्होंने सरकार तय किया कि जो एशियाई भाषाएं हैं, जिनमें कि चीनी भाषा, अरबी, हिंदी प्रमुख भाषा, हिंदी भारत की, और उनके अलावा उसमें उन्होंने जोड़ा फारसी, टर्किश जी जी और उर्दू भी जोड़ा, फिर कुछ समय तक पश्तो और दरी का भी समावेश रहा। तो इन भाषाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, अब यहाँ बताना जरूरी है कि ये सब भाषाएं यहाँ के लिए विदेशी भाषा, और मैंने उसके बारे में जानकारी हासिल की, और 2009 में मालूम पड़ा कि सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया, स्टार्ट टॉक, यानी स्टार्ट टॉकिंग, स्टार्ट हाँ टॉक जो इनिशिएटिव था व्हाइट हाउस का, उसके अंतर्गत इन सब कुछ 10-12 भाषाएं प्रारंभ में, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अनुदान देने का कार्यक्रम बनाया। लेकिन उनको पढ़ाने का जो सिलसिला था, उसका निर्धारण, जो मापदंड था, उसके लिए अमेरिकन काउंसिल फॉर टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज के बने बनाए मापदंड, उसमें सब भाषाओं के अलग अलग मापदंड हैं, स्टैंडर्ड बनाए थे। हिंदी के लिए विजय गंभीर जो यूपेन में थी, उन्होंने और कुछ और शिक्षकों ने बनाया था। तो यहाँ पर वो बन गया, हमारे पास विदेशी भाषा पढ़ाने के कुछ कुछ गाइडलाइन है, कुछ तरीके हैं, इसलिए उसको औपचारिक भाषा शिक्षण बताया गया। स्टार्ट ऑफ इसी औपचारिक भाषा शिक्षण को आगे बढ़ाने के लिए अनुदान देने लगा, जिसके लिए मैंने भी आवेदन किया 2010 में। पहली बार हमने, हम तो भाई कोई संस्था नहीं थी, मैंने सोचा कि जो न्यू जर्सी का जो टीचिंग यूनिवर्सिटी है, की यूनिवर्सिटी, वहां वहां पर हिंदी प्रारंभ होनी चाहिए। इसके लिए मैं एक प्रस्ताव लेकर गया, जो कीन विश्वविद्यालय के
प्रमुख थे, अध्यक्ष डॉक्टर फराही, अफगान मूल के थे, बड़े ही सुलझे हुए हिंदी भी बोले। उनको जब बताया कि स्टार टॉक का ये कार्यक्रम, ये इनिशिएटिव शुरू हो रहा है, उन्होंने बिना कुछ सोचे हुए, अब उनके चैम्बर में बैठा था मैं और यहाँ के हमारे उपेंद्र शिवकुला जी वर्तमान चेयरमैन भी थे, उनका अशोक यू स्टार्ट दिस प्रोग्राम इवन इफ वी डोंट गेट फंडिंग फ्रॉम द यूएस गवर्नमेंट वी सी दैट द प्रोग्राम इज सपोर्टेड बाय द क्लीन यूनिवर्सिटी। मैं तो मुझे इतना उत्साहित महसूस हुआ उसमें, मैं कि चलो अपना अब हिंदी का काम चल पड़ा। यहाँ ये भी कह दूं आपको, हिंदी में एक बड़ा प्रचलित शब्द है, मैं हिंदी सेवा कर रहा हूं। लोग कहते हैं, आप जानते होंगे, आप भी सुनते होंगे, मैं समझता हूं कि इससे बचना बहुत जरूरी है। हम प्रोफेशनल हैं, पेशेवर हैं, पत्रकार के रूप में हमने अपना जीवन जिया है, अब शिक्षक के रूप में जीना चाहते हैं, तो हम प्रोफेशनल हैं, सेवक नहीं। और प्रोफेशनल ही भाषा को या किसी भी शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। खैर, 2010 में मैंने अपना ग्रांट प्रपोजल लिखा, किन विश्वविद्यालय की तरफ से मुझे निदेशक बनाया गया और स्टार टॉक ने उसको मंजूर किया। साथ में जी हमने वहां के बच्चों को जो कॉलेज में पढ़ते थे, अधिकांश गैर भारतीय थे, उनको हिंदी सिखाई, और हिंदी सिखाई औपचारिक यानी कि फॉर्मल लैंग्वेज। अब होता क्या है, मैं इसलिए कह रहा हूँ प्रकाश, हाँ, ये क्या अंतर है फॉर्मल लैंग्वेज और इनफॉर्मल लैंग्वेज में, अमेरिकी पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए। हाँ, अमेरिकी दृष्टि से जैसे स्पेनिश भाषा है या कोई भी, अब उन्होंने तो इंग्लिश है सेकंड लैंग्वेज भी क्या है, जो जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है उनके लिए, हाँ, तो अगर आप पढ़ाते हैं कोई भाषा, वो औपचारिक ढंग से पढ़ाई जानी चाहिए। अनौपचारिक तो ये होता है कि जैसे यहाँ मंदिरों में, कॉमेडी सेंटर में, बहुत सारे स्कूल हैं, पूछिए मत, क्योंकि मंदिर बनाने में भारतीय लोग बहुत आगे हैं, बहुत पैसा लगाते हैं, बहुत खुशी की बात है। वहां पर कोई भी माता पिता को मतलब अवैतनिक होता है, वॉलंटियर। औपचारिक शिक्षा में वॉलंटियर का कॉन्सेप्ट नहीं है, उसमें जैसे और शिक्षकों को पैसे मिलते हैं, शिक्षा भाषा शिक्षक को पैसे मिलते हैं, लेकिन वो प्रशिक्षित होने चाहिए। स्टार टॉक ने जो इनिशिएटिव लिया उसमें प्रशिक्षण शिक्षकों का, भाषा शिक्षकों का और विद्यार्थियों का, दो स्तर है। भाषा शिक्षकों का प्रशिक्षण इसलिए किया गया कि अमेरिकन काउंसिल फॉर टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज के मापदंड को देखते हुए वर्ल्ड रेडिनेस स्टैंडर्ड जो 5C है, उनमें उनको पूरी समझ हो तभी बच्चों को पढ़ाएंगे। यानी कि आप क से कमल और अ से अजगर पढ़ाने का तरीका पुराना पड़ गया, उसको नीचे डाल देना चाहिए टेबल के, वो तरीका ठीक नहीं है। क्यों नहीं है, उससे बच्चे सीखते नहीं है, बाद में उनकी रुचि खत्म हो जाती है। तो जो औपचारिक तरीका है, औपचारिक तरीके में बोलना, पहले तो सुनना जी, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये क्रम है। बहुत सारी डिटेल में नहीं, यहाँ नहीं कर सकता, ये समय नहीं है, लेकिन उसमें शिक्षक को जो भी विषय पढ़ाना है उसके लिए उन्हें भाषा और शब्दावली पर जोर देते हुए उनसे संदर्भ के साथ क्या पढ़ा रहे हैं, और वो सांस्कृतिक उनका आधार बन, यानी कि भारत के बारे में होना चाहिए जो प्रारंभिक हिंदी शिक्षा है। तो ये औपचारिक शिक्षा, ये इसका एक लंबा है, तीन तरह की गतिविधियां हैं, इंटरप्रेटिव, इंटरपर्सनल, आपस में बच्चे बात करें, फिर आप बच्चों से पूछें कि ना सीखा। तो जोर इस बात पर होता है औपचारिक शिक्षा में कि सीखने वाले कितना सीख रहे हैं, ये नहीं कि आप क्या पढ़ा रहे हैं। लेक्चर का भी कोई यहाँ पर नहीं है, स्टूडेंट सेंटर्ड, यानी कि उसके भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, सब कुछ ट्रेनिंग में देना, ठीक है। तो ये है औपचारिक और अनौपचारिक। मैं दुख के साथ ये कह रहा हूँ प्रकाश जी कि लोग इसको पर ध्यान नहीं देते, और अनौपचारिक शिक्षा का इतना प्रचलन है कि वो समझते हैं कि वही सर्वोत्तम है, हाँ। और उसी से हिंदी सीखते हैं, इससे हमारी औपचारिक शिक्षा को बहुत बड़ा, मैं कहूंगा कि खतरा है, उससे हमारी औपचारिक शिक्षा का कम होता है। Okay. अभी आपने बताया, मैं आपको रोक रहा हूँ, आपने बताया कि अमेरिका में स्पेनिश, चाइनीज, फ्रेंच, कोरियाई सब भाषाएं चलती हैं, भारतीय भाषाओं में आपने कहा कि हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाती है, हिंदी के अलावा और कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? पहले हिंदी की बात, मैंने शुरू कहा था कि हिंदी दिवस भारत में हिंदी को राजभाषा बनाने के सुअवसर पर आयोजित किया जाता है, संविधान सभा ने कहा था।
मैं आपको आपके आपके समक्ष दावे के साथ कह सकता हूँ, और ये मैं ये नहीं कि एक रूढ़िवादी हिंदी वाला हूँ इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि हिंदी इस बात के लिए समर्थ है, दुनिया की चार बड़ी भाषाएं सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी है, अंग्रेजी स्पेनिश चीनी के बाद हिंदी का नंबर आता है। और इतने सिर्फ अमेरिका ही नहीं, व्यापक तौर पर पूरे विश्व में जो भाषा इतनी बड़ी है उसको वो ओहदा देने में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। और इसी को आगे ले आता हूँ, मैं जब हिंदी पढ़ाता हूँ या हमारी संस्था जब हिंदी शिक्षण करती है तो हम उसको राजनीति से धर्म से दूर रखते हैं। हम कहते हैं हिंदी आपकी पहचान है, आप भारतीय हैं, आप इसलिए हिंदी सीख रहे हैं, हिंदी के माध्यम से अपनी भारतीयता को आप प्रदर्शित प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि युवा हिंदी संस्थान का जो कार्यक्रम होता है वो पेंसिल्वेनिया में होता रहा है 2012 से लेकर अभी तक। स्कूल में हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, अनुबंध है, उसके आधार पर पूरा स्कूल हम मिलते हैं 15 दिनों के लिए गर्मियों में। वहां पर शिक्षा हिंदी सीखने वाले बच्चे प्रकाश जी 90% हिंदी भाषी परिवारों से आते हैं। वहां ये मुद्दा ही नहीं है कि हिंदी भाषी लोग भारत के हिंदी भाषी लोग अमेरिका में जाकर हिंदी सीख रहे हैं, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, क्योंकि उस इलाके में आईटी से जुड़े लोगों की संख्या बहुत है, तमिलनाडु आंध्र कर्नाटक ये सब मतलब नई पीढ़ी के लोग हैं। ये तो बड़ी नई जानकारी आपने दी है कि भारत दक्षिण भारतीय लोग जो अमेरिका में हैं वे उनके बच्चे हिंदी सीख रहे हैं वहां जाकर। ये बड़ी सुख कर बात है, राहत की बात है कि वो कहीं ना कहीं अपनी जड़ें जमाए हुए हैं भारत। हाँ, मैं इसी संदर्भ में बात करूंगा कि युवा हिंदी और हिंदी संगम का रोल क्या है। लेकिन मुझे भी आश्चर्य हुआ जब 2012 में मैंने वहां पर पेंसिल्वेनिया स्कूल डिस्ट्रिक्ट में हिंदी कार्यक्रम जब ग्रांट मिल गया तो स्कूल डिस्ट्रिक्ट से मिलकर के एक छोटा बड़ा सा मतलब मीडियम साइज का गांव है, उसके आसपास बहुत सारे भारतीय लोग हैं, गुजराती मूल के, मराठी मूल के, उसके बाद अधिकांश जो हैं वो उत्तर भारतीय मूल के नहीं हैं, ये मैं कहूँगा जी। उन्होंने अपने बच्चों में, क्योंकि मैं ये जो मेरा बताने का तरीका था, कन्विंस करने का मेरा तर्क ये था, हिंदी किसी एक प्रदेश की भाषा नहीं है, हिंदी भारत की भाषा है, आप बच्चे हिंदी सीखेंगे तो वे भारतीयता को आगे बढ़ाएंगे। और आज ये मौका है, स्टार्ट ऑफ अमेरिकी सरकार हिंदी को समर्थन दे रही है, आपके बच्चे निःशुल्क बिना ट्यूशन के पढ़ सिर्फ धंधे के तौर पर लेते थे और बाकी निःशुल्क कोई खर्च नहीं। तो पता नहीं क्यों लोगों को अच्छा लगा, सब पढ़े लिखे लोग, आईटी में काम करने वाले, बैंकों में काम करने वाले, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा इलाका है। तो ये सिर्फ 2012 में नहीं, 2012, 13, 14 साल दर साल जो हमारे कार्यक्रम में बच्चे आए, अधिकांश 90% में कह रहा हूँ कि उससे भी ज्यादा ही अगर देखा जाए तो गैर हिंदी भाषी परिवारों के थे, यानी कि अपने घरों में वे हिंदी नहीं बोलते थे। दूसरी तरफ जब 2016 में हिंदी संगम फाउंडेशन का कार्यक्रम हुआ फ्रैंकलिन टाउनशिप में, वहां भी आधे बच्चे गैर हिंदी, आधे बच्चे हिंदी, क्योंकि न्यू जर्सी में हिंदी भाषी लोगों का बहुत बड़ा समूह है। अब समस्या देखिए, तो ये तो बात हो गई कि साल दर साल हमें अवार्ड मिलता रहा, शिक्षकों को प्रशिक्षित करता रहा मैं, और वहां पर जुड़ा रहा पेंसिल्वेनिया के नॉर्थ पेन स्कूल डिस्ट्रिक्ट से 12 से लेकर अभी तक। फिर 2016 में स्टार टॉक के कहने पर, क्योंकि उन्होंने कुछ देखा होगा, हर बार हमको ये कहा गया कि श्रेष्ठ कार्यक्रम आप कर रहे हैं, मुझे खुशी हुई। और उसके बाद उन्होंने फ्रैंकलिन न्यू जर्सी में आयोजित करने के लिए गर्मियों में स्टार टॉक के लिए अनुदान दिया। 2016 से 2019 तक हमने फ्रैंकलिन टाउनशिप से अनुबंध किया उनके स्कूलों में, पहले पेंसिल्वेनिया में करता था फिर यहाँ पे फ्रैंकलिन। लेकिन दोनों कार्यक्रमों को करने का जो आधार था, जो फाउंडेशन था, वो क्या था? सांस्कृतिक बातों को बताना बच्चों को। अगर हम भारत के बारे में बताते हैं तो हमें भारत का भूगोल, भारत का इतिहास और आज के जीवन की
जो समस्याएं हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, प्रदूषण है, इन सब बातों को कैसे हम जोड़ें, तो इस उनसे संबंधित घटनाओं को लाकर हम विषय बनाते थे, करिकुलम में उनके पाठ रखते थे ताकि बच्चे इन चीजों को सीखते थे और उन्हें सीखा। तो मैं समझता हूँ प्रकाश जी कि ये मैं हिंदी सेवा अपनी जगह पर है, लेकिन मैं एक हिंदी प्रोफेसर के तौर पर औपचारिक हिंदी को आगे बढ़ाने का कार्य किया। आपने एक पूछा था कि भारत में कौन, अमेरिका में कौन कौन सी भाषाएं हैं। देखिए, तमिल भाषा बहुत जगह पढ़ाई जाती है, दुर्भाग्य कहना चाहिए, और मैं समर्थन करता हूँ कि तमिल पढ़ाई जानी चाहिए, सारी भाषाएं पढ़ाई जाए, क्योंकि सब भाषाओं की अपनी खूबियाँ हैं। लेकिन अमेरिका ने हिंदी को ही चुना इन सब कार्यक्रमों के लिए, स्टार्टअप आदि के लिए। और मैं कहूँ कि हिंदी का मैं स्कॉलर, हिंदी का पत्रकार रहा, इसलिए मैं उसी को करने में समर्थ था। और इसके कारण ये हुआ कि डॉक्यूमेंटेशन एक हमारे काम का अभिन्न अंग हो गया। हमारे, हमने सभी पाठ्यक्रमों को बचा के रखा है हार्ड कॉपी, ताकि जब भी पढ़ाने का मौका मिले बिना किसी मदद के हम कर सकते हैं। अब समस्या क्या है, इस बारे में कह के मैं बात पूरी करता, फिर आप बदलाव पूछ सकते हैं। समस्या ये है प्रकाश जी कि आप जानते हैं कि हमने 2014 में हिंदी संगम फाउंडेशन की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन आयोजित किया पहला। आप यहाँ आए थे 15 में, मैंने पहला किया 2014 में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के सहयोग से, न्यूयॉर्क भारतीय कौंसल आवास के सहयोग से, उसमें पूरे अमेरिका से दर्जनों हिंदी विषय आए थे। भारत से जो डेलीगेशन आया था जी, उसमें लीलाधर मंडलोई के सिवा बाकी सभी राजनीतिक लोग थे। मैं समझता हूँ कि भाषा शिक्षण या भाषा पर चर्चा के लिए जो विशेषज्ञ हैं, वे शिक्षक, साहित्यकार, यानी कि गैर राजनीतिक होने चाहिए। भारत सरकार को अपने भारतीयों की कमाई अपने राजनीतिकों पर कम कर खर्च करनी चाहिए, बल्कि भाषा से जुड़े हुए लोगों पर, पेशेवर जो प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए करनी चाहिए। तो आप सहमत होंगे शायद, आपको भी याद होगा कि 2015 में जो भोपाल में हुआ कितना लैविश प्रोग्राम था, लेकिन भाषा शिक्षण के मामले में कितना कमजोर था आप जान से। इसी प्रकार 2018 में जो मॉरिशस में हुआ, करोड़ों खर्च हुए प्रकाश जी, आप जानते हैं मॉरिशस विश्व हिंदी सम्मेलन पर, मैं भी गया था वहां, उसका आउटकम क्या रहा। अब यहाँ आती है बात, सिर्फ साहित्यकारों से भाषा शिक्षण आगे नहीं बढ़ सकता, ये एक दूसरा मामला है, मैं इस पर बाद बात करूंगा। तो आपने पूछा था हिंदी संगम फाउंडेशन और युवा हिंदी संस्थान, तो युवा हिंदी संस्थान तो शुद्ध रूप से बच्चों को हिंदी सिखाते काम आज भी कर रही है। हिंदी संगम फाउंडेशन हिंदी को प्रचारित करने के लिए सम्मेलन आयोजित करने का काम कर रही है। अब इस पर बहुत थोड़ी व्यापक चर्चा होगी, लेकिन मैं संक्षेप में बता दूं, मैंने देखा कि अमेरिकी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में जो हिंदी पढ़ाई थी वो लेक्चर बेस्ड थी जी, स्कूल में पढ़ाई नदारद थी। मैंने सोचा कि देखो हिंदी तो एक ही है, तो आप कॉलेज में कॉकर का पढ़ाएं वो बड़ा अजीब लगता है, इसलिए प्रारंभिक स्तर पे एलिमेंट्री, मिडिल, हाई स्कूल में हिंदी सिखाओ। ये जो हिंदी का प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त करके बच्चे जब कॉलेज में आएंगे, तो वो उससे आगे बोलने का, लिखने का, पढ़ने का और साहित्य समझने का कार्य कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से हमने ये सम्मेलन आयोजित किए थे 2014-2015 में डॉक्टर में था। ये सिलसिला हमको चलाए रखना था, लेकिन पर्याप्त समर्थन के मैं कहना चाहूँगा अभाव में 2016 में कौंसुलेट में, जो हमारा न्यूयॉर्क का कौंसुलेट, उन्होंने वहाँ पे किया था। उसके बाद 2017 में विशाखापट्टनम में भारत गया कि भारत के गैर हिंदी प्रदेश में करें। आप शायद नहीं आए थे वहाँ पे, नहीं, मैं नहीं। बड़ा समर्थन मिला था हिंदी भाषी शिक्षकों का। मैं इसको आगे चलाना चाहता हूँ, लेकिन रिसोर्सेज, मुख्य रूप से आर्थिक संसाधनों के अभाव में 2017 के बाद कोई सम्मेलन नहीं हो पाया है। अब मैं पूरी तरह से कोशिश में हूँ कि लोगों से सहयोग लेकर के आगे बढ़ाएं, और उसका पहला कदम है हमने जो पत्रिका युवा हिंदी संगम फाउंडेशन वार्षिकी
2021 हमने 60 पृष्ठों का बनाया है, कल उसको लोकार्पण होगा, उसकी प्रति आपको भेजेंगे, उस पर हम बाद में बात कर सकते हैं। तो मूल मुद्दा यह है कि शिक्षा औपचारिक होनी चाहिए। औपचारिक कैसे होनी चाहिए उसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आप अगर कहोगे एक ही उदाहरण दे रहा हूं प्रकाश जी, हाँ, अंग्रेजी के माध्यम से हिंदी पढ़ेंगे मैं तो उससे दूर जाऊंगा, भाग जाऊंगा, ये बिल्कुल नियम के खिलाफ है। जो अमेरिकन काउंसिल के जो गाइडलाइन है उसमें ये है ही नहीं, उस गाइडलाइन में ये है कि आप जिस भाषा को पढ़ा रहे हैं उसी भाषा को माध्यम से पढ़ाएंगे, और जो आपकी सामग्री होगी वो जो भाषा जिस संस्कृति से पैदा हुई है उसी सांस्कृतिक संदर्भ में होगी। यानी कि हम अपनी सामग्री, अपने टॉपिक पाठ भारतीय विषय को बना सकते हैं, हाँ, इसका ज्ञान होने के बाद फिर वो पूरी दुनिया को जोड़ सकते हैं। ये सब है स्टैंडर्ड और मापदंड जिनका हमें फॉलो करना है, इनके बारे में हमें प्रशिक्षण प्राप्त है, और मैं अपने शिक्षकों को भी उसमें प्रशिक्षित करता हूँ। अब कोशिश ये है कि भारतीय संस्थाओं से जुड़ने का काम, बहुत सारी दिक्कतें हैं उस पर आप कभी अलग से चर्चा करना, बहुत सारी मुश्किलें। ये स्टार्ट अप प्रोग्राम के बारे में बताइए डिटेल में, और क्या है, किस तरह इसमें शिक्षकों का चयन होता है, किस तरह विद्यार्थियों का चयन होता है, शिक्षकों को कितने दिन ट्रेनिंग दी जाती है, वे भारतीय मूल के शिक्षक होते हैं या अमेरिकी मूल के होते हैं या अंग्रेज होते हैं, क्या है? प्रकाश जी आप तो जानते हैं कि अनेक ऐसे लोग हैं जो गैर भारतीय हैं, गैर हिंदी भाषी हैं और हिंदी पढ़ाते हैं, क्योंकि उन्होंने हिंदी का अध्ययन किया है, लेकिन मुख्य रूप से साहित्य का अध्ययन किया है। अभी मैं बहुत सारे लोगों के संपर्क में हूँ यूरोप में, अमेरिका में, तो इन लोगों को महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में जो पढ़ाने का पुराना प्रचलन है अमेरिका में, यहाँ के 100 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है, लेकिन वहां पर अगर आप कौकागा नहीं जानते हैं, वर्णमाला से परिचय नहीं है, तब भी आप ले सकते हैं हिंदी इलेक्टिव। तो ये क्रम कई दशकों से चला आ रहा है। स्टार टॉक मुख्य रूप से K-12 यानी कि पहली ग्रेड से लेकर के हाई स्कूल तक, यानी कि एलिमेंट्री, मिडिल और हाई स्कूल के बच्चों को हिंदी सिखाने का, कोई भाषा जो स्टार टॉक जिस भाषा में हो रहा है, चीनी, अरबी, उसका कार्यक्रम है, जो कि सिर्फ गर्मियों में, गर्मी की छुट्टियों में, क्योंकि स्कूल बंद होते हैं, इंटेंसिव समर प्रोग्राम के रूप में सुबह से रोज लगभग 6-8 घंटे का कार्यक्रम 15 से 20 दिनों तक होता रहा है। तो ये स्टार टॉक का जो मूल उसकी जो मूल परिकल्पना है वो ये है कि गर्मी की छुट्टियों में इंटेंसिव समर प्रोग्राम, लेकिन उसका पाठ्यक्रम बनाने के लिए जो शिक्षक हैं वे प्रशिक्षित होने चाहिए, लेकिन अब इतना ही फर्क है कि यहाँ के स्कूलों में शिक्षकों को एक विशेष ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है जो कि कॉलेजों में मिलता है। हमारे स्टार टॉक के भाषा शिक्षकों को ऐसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, हम खुद ट्रेनिंग, यानी स्टार टॉक ने जो ढांचा डेवलप किया है प्रशिक्षण के लिए, जिसमें कि मैंने बताया गाइडलाइन और जो बेस्ट प्रैक्टिस हैं, उनकी ट्रेनिंग उसी 15 दिन में हम इसे कर सकते हैं, जिसके लिए कई विश्वविद्यालयों ने अपने हाथ में ये जिम्मा लिया है, जिसमें कि न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, UCLA, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, ऐसे कई और बहुत सारी संस्थाएं जो कि भाषा शिक्षण से जुड़ी हुई हैं, उनका प्रशिक्षण है, वो बहुत ही बढ़िया प्रशिक्षण है। छोटे समय में 2-3 सप्ताह के अंदर आप शिक्षकों को, जिनकी मातृभाषा हिंदी है, उनको हिंदी पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। यानी कि पहली शर्त यह है आपको हिंदी का ज्ञान, मूल ज्ञान होना चाहिए, ये तो नहीं कि आप पंजाबी हिंदी बोले और हिंदी पढ़ाने लगे, दक्षिणी बम्बैया हिंदी में, नहीं, एक हिंदी का स्टैंडर्ड होना चाहिए। और वो स्टैंडर्ड कहाँ से आएगा, वो जो स्टैंडर्ड आएगा वो विश्व का स्टैंडर्ड है, 5C, कम्युनिटी, कल्चर, कम्युनिकेशन, कंपैरिजन, यानी कि बच्चे अमेरिकी होने के बाद भी वो तुलना कर सकें कि भारत के पहाड़ कैसे हैं, भारत नदियाँ कैसी हैं, अमेरिका की नदियाँ कैसी हैं, भारत के बच्चे नदियों में भैंसों के साथ नहाते हैं, यहाँ स्विमिंग पूल नहाते हैं, ये उनको फर्क करने का ये सामर्थ्य आना चाहिए भाषा से, ये ज्ञान है, क्योंकि अपने जो उनका जो जीवन है, दैनिक जीवन, उससे हम हटाना नहीं चाहते। अगर हम उनसे हटाए बगैर भाषा को जोड़ेंगे उनके साथ, तो बड़े होकर उनमें एक अभिमान आएगा, एक गर्वान्वित महसूस होते हैं कि हमने हिंदी भाषा आती है, ये उसका दूरगामी
लक्ष्य है, लक्ष्य रहा है, और मैं पूरी तरह सहमत हूँ। और मैं आज कहना चाहता हूँ कि स्टार्टअप के जो तौर तरीके हैं, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं स्टैंडर्ड, उन्हीं को मैं लागू करके अब तक कम से कम 20-25 जो कार्यक्रम हैं, 20-25 कार्यक्रम, हर कार्यक्रम हर दिन का पाठ्यक्रम बनता है, सारे पाठ्यक्रम चाहे मैं दार्जिलिंग सिखाऊं या गिर के जंगल सिखाऊं, मैं भारत समग्र ले आता हूँ। दुर्भाग्य की बात है प्रकाश जी कि आज भारत ने इस बात पर कोई ध्यान दिया नहीं आता। बड़े बड़े संस्थान बने हुए हैं, विश्वविद्यालय बने हुए हैं, मैं उन पर उनकी टिप्पणी कर रहा हूँ, अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो विदेशों में हिंदी का शिक्षा के लिए सामग्री होनी चाहिए वो पाठ्य पुस्तक नहीं होगी, वो सामग्री होगी वहाँ के जीवन से जुड़ी हुई। अगर आप इंदौर के बारे में बताते हैं तो इंदौर का भूगोल, इंदौर के इतिहास, इंदौर की संस्कृति, इसको आप साधारण भाषा में बच्चे समझ सके आपको करना पड़ेगा, वीडियो बनाना पड़ेगा। आयु वर्ग के लोगों को हिंदी सिखाते हैं वहाँ बच्चों को, किस आयु और किस क्लास के बच्चे होते हैं? जो रिसर्च ये कहता है, यहाँ का भाषा जो शोध है उसके अनुसार, जितना जल्दी जितनी जल्दी छोटी उम्र में आप भाषा सिखा सके बच्चे, उतनी ही जल्दी सीखते हैं और उसको अपने आप में आत्मसात करते हैं, यानी कि भूलते नहीं है। जितना देर से आप सिखाएंगे भाषा उतनी ही मतलब कमजोर होगी, वो भूल सकते हैं। अब मान लीजिए आप कॉलेज में सिखाना शुरू करेंगे तो वो फिर कुछ याद रखेंगे, कुछ भूल जाएंगे। इसीलिए जो बड़ी उम्र के लोग हैं, माफ कीजिएगा, उनकी भाषा भी उतनी ही कमजोर है दुर्भाग्यवश मतलब जो सीखते हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, मैं बुरा मान जाएंगे, इसलिए कई बहुत ही समृद्ध, बहुत ही प्रौढ़ शिक्षक हैं और वे अच्छी हिंदी बोलते हैं, हिंदी का ज्ञान भी उनको है, लेकिन ये समस्या है। और आज ये भी आपको चेताना चाहता हूँ कि हिंदी सीखने वालों की संख्या कम हो रही है। हमें क्या समस्या होती है स्टार्टअप के लिए, इसके बारे में चर्चा में नहीं की, लेकिन समस्या बढ़ रही है। देखिए स्टार्टअप ने हिंदी को बंद कर दिया है अगले वर्ष से, अब हम किन संसाधनों को के सहारे हम इस पाठ को चलाएंगे? मैं तो चलना चाहता हूँ, युवा हिंदी संस्थान हर वर्ष फॉल सेमेस्टर, समर का इंटर्नशिप प्रोग्राम और स्प्रिंग सेमेस्टर, तीनों के माध्यम से पूरे साल सक्रिय रहना चाहती है, लेकिन उसके लिए हमें सहयोग चाहिए। माता पिता जो भेज रहे हैं वो भेजते रहें, जो संस्थाएं हैं, देखिए भारत में इतनी सामग्री है लेकिन लोग ध्यान नहीं देते उनको। अमेरिका में, विदेशों में हिंदी सिखाने जो कार्यक्रम चल रहा है उनको समर्थन करना चाहिए, आर्थिक समर्थन करना चाहिए, क्योंकि हम निःशुल्क पढ़ाना चाहते हैं। हम माता पिता से अगर पैसे वसूलने लगे, ट्यूशन की लेने लगे, तो शायद वो नहीं है क्योंकि उनको कोई इंटेंसिव नहीं, इंसेंटिव नहीं है। इसलिए ये आवश्यक है कि आज के बदले संदर्भ में हमें भारत से, मूल संस्कृति से, सरकार द्वारा, क्योंकि निजी तौर पर कोई समर्थन मिलता नहीं है जी, समर्थन बनाने का, आर्थिक सहयोग बनाने का एक ढांचा तैयार किया जाना चाहिए। अशोक जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। सवाल ये है कि भारत में हिंदी को लेकर एक तरह की उदासीनता आ गई है, तो क्या वहाँ भी इस बात से लोग हतोत्साहित होते हैं कि भारत में खुद यहाँ लोग हिंदी को लेकर उतने उत्साहित नहीं है, तो अमेरिका जाकर क्या उत्साह दिखा? देखिए विदेशी भाषा जो कि हिंदी है, यहाँ पर काफी लोगों के लिए, मेरे लोगों के लिए मातृभाषा है, तो अमेरिका में हिंदी या कोई भी भाषा क्यों पढ़ाई जानी चाहिए? क्योंकि उसका जो वैश्विक स्वरूप है कितना कितना ताकतवर है, कितना कमजोर है। अब उन्होंने हिंदी को, स्टार्टअप को क्यों निकाल दिया स्टार्टअप से, उर्दू क्यों निकाल दिया? क्योंकि उनको लगा कि, मेरी समझ से, कि हिंदी वाले ही इसको समर्थन नहीं दे रहे हैं, और ग्राउंड लेवल पर हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है प्रकाश जी। लेकिन मध्य पूर्व में, जहां पर कई देशों में अरबी बोली जाती है, चीन के साथ उनके कई मुद्दे हैं, मतलब कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है, कॉमर्स को लेकर, डिफेंस को लेकर, नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, लेकिन चीनी यहाँ की प्रमुख भाषा है। उसका दूसरा कारण यह है कि चीनी मूल के जितने लोग हैं जी, वो स्वयं चीनी भाषा पढ़ाते हैं, वो सरकार पर निर्भर नहीं रहते। आपको जान एक उदाहरण देता हूँ,
स्टॉक का जब कार्यक्रम चल रहा था तो मैंने खुद बात की है चीन के लोगों से, तो चीन से हर वर्ष 1300 शिक्षक, चीनी भाषा के शिक्षक अमेरिका आते थे और यहाँ के बच्चों को सिखाते थे। आज भी ऐसे ऐसे विद्यालय हैं प्राथमिक और फर्स्ट ग्रेड टू एट्थ ग्रेड जहां पर चीनी प्रमुख भाषा है। और आप ये भी सुन लीजिए, इन में से अनेक स्कूलों का मिनेसोटा से मैं जा चुका हूं, उनका संचालन, उनका नियंत्रण अमेरिकी स्कूल व्यवस्था के द्वारा हो जाता है। सिर्फ चीनी लोगों ने प्रारंभ किया था, लेकिन देखा कि जो गैर चीनी है, अमेरिकी मूल के लोग हैं, वही अपने बच्चों को भेज रहे हैं। आपने सुना होगा भारत में अनेक माता पिता चीनी पढ़ाने के लिए बच्चों को भेजते हैं, हिंदी के लिए नहीं भेजते। ये बात यहाँ पर इतनी व्यापक है चीनी भाषा के लिए लेकर के कि अमेरिकी सरकार ने, और वहां के बच्चे बहुत अच्छा नंबर ले आते हैं, इसलिए इन स्कूलों का संचालन भी अमेरिकी सरकार की शिक्षा व्यवस्था द्वारा किया जाता है। जी, यहाँ पर चीनी एक प्रमुख भाषा है, 8वीं ग्रेड के बाद अंग्रेजी शुरू होती है। ये क्यों है? ये इसलिए है कि चीनी मूल के लोग अपनी भाषा के प्रति इतने ज्यादा मजबूती से खड़े हुए हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, वेस्ट विंडसर में हिंदी पढ़ाने का प्रस्ताव आया, सर्वेक्षण किया स्कूलों ने, सर्वेक्षण मालूम पड़ा कि लोगों ने कहा कि मेरी मातृभाषा गुजराती है, मेरी पंजाबी है, हिंदी वाले माइनॉरिटी में आ गए, अल्पसंख्या में आ गए, इसलिए जिस स्कूल जी ने कहा कि भाई अब तो हिंदी के लोग ही नहीं है तो हम क्यों पढ़ाएं। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए मूल प्रयास भारत में होना चाहिए। आप हिंदी का विरोध करो संसद में या जहां भी, वो अलग बात है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में आप उसको कैसे समृद्ध बना रहे हैं, इस पर बहस करने के बदले में आप, मैं आपसे कहना चाहता हूं, भूगोल, इतिहास और मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग, इन विषयों में अगर आपने हिंदी में मानक स्टैंडर्ड पुस्तकें बनाई होती पिछले 50 वर्षों में, तो कम से कम हम ये तो कह सकते थे हिंदी समृद्ध है और भाषाओं पर, और भाषाओं से कोई रुकावट है नहीं, जो हिंदी आगे बढ़ेगी और भाषाएं बढ़ेंगी। दूसरी बात, अब आपको बताऊं कि इनक्रेडिबल इंडिया नामक वेबसाइट, बड़ा यहाँ मतलब इतने पैसे खर्च किए गए हैं प्रकाश जी, न्यूयॉर्क का सबवे पूरा पेंट किया था, आप सोचिए कितना खर्च किया होगा सबवे ट्रेन। लेकिन आप उनके वेबसाइट देखें, उनका हिंदीकरण करने के लिए आपको गूगल के साथ लेनी पड़ेगी, जो कि आप समझ सकते हो कैसे हिंदी में प्रामाणिक न तो कोई डिस्क्रिप्शन है किसी, हमको कश्मीर के बारे में दो तरह के विवरण चाहिए, छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए और बड़े बच्चों, यानी कि नॉविस, इंटरमीडिएट, उसमें और भी ज्यादा कोई ग्रह है, इस पर कोई सोच नहीं है। मैंने ये बात की विदेश मंत्रालय के समक्ष, क्योंकि वो भी हिंदी को बढ़ा देते, कुछ नहीं हुआ। आपको याद है 2015 में हमने प्रस्ताव पारित किया था सर्वसम्मति से, मूले जी यहाँ पर थे, ज्ञानेश्वर मूले कौंसुल जनरल, उनके द्वारा कि न्यू जर्सी में एक ऐसा केंद्र बनाया जाए जहाँ पर हिंदी से संबंधित एक लाइब्रेरी हो, हिंदी शिक्षा के लिए कुछ कमरे बने हों, उस पर तो कुछ काम हो, इसके इसकी बात तो छोड़िए। हाँ, विदेश मंत्रालय की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया, कोई भी पूछताछ नहीं हुई। और आपकी जानकारी के लिए, विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज जी, मतलब एक जानी मानी हिंदी वाली। तो माफ कीजिएगा प्रकाश जी, हिंदी में किसी भी विषय पर बात करने के लिए वहां समारोह होते हैं, भाषण होते हैं, जो काम की चीज है वो तो होता ही नहीं। विश्वविद्यालयों में ठीक से पढ़ाई नहीं होती, पाठ्य सामग्री का अभाव है, जो आज के जीवन की प्रौद्योगिकी की विस्तारित जीवन जो है आज का, मतलब इंटरनेट बेस्ड, उसको सामग्री का कितना अभाव है हिंदी में, ये सब लोग जानते हैं। और आज हम जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसको छोड़ने को तैयार नहीं। आपने महादेव वर्मा और पंत जी की कविताओं का सीरीज बना दिया, लेकिन वो शिक्षा नहीं है, वो तो एक मूल आपके पास साधन है, भाषा सीखने के लिहाज से वो उपयुक्त नहीं है। साहित्य का करना उचित है, साहित्य अपनी जगह है। कैसे सिखाएंगे भाई? हाँ, भाषा में क्या शब्दावली है, वाक्य रचना है,
सिखा सकते हैं, लेकिन उसका एक तरीका होता है ना, खाली सीढ़ी सुनने से नहीं हो सकता। यहाँ पर अनौपचारिक विद्यालयों में बच्चों को रटा देते हैं, तो ये कविता को जहाँ सिखानी हो, ये तो भाषा शिक्षा नहीं है, वो कह देते हैं समारोह में कविता कह देते हैं और हम खुश रहते हैं, अरे बात, लेकिन वे सिर्फ रखने वाली चीज है, जो मेमोराइज्ड नॉलेज है वो भाषा शिक्षण या कोई भी शिक्षण का अंग नहीं है, उसको नकार दिया गया है आधुनिक शिक्षा शास्त्र द्वारा। अच्छा अशोक जी, ये बताइए अभी आप इस दौर में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए क्या कर रहे हैं, जब स्टार्टअप प्रोग्राम, हिंदी का स्टार्टअप प्रोग्राम बंद होने वाला है यूएस में, तो आप उसके विकल्प के तौर पर क्या करने वाले हैं, इस बारे में बताइए। देखिए, आपके समक्ष एक अकेला व्यक्ति, मेरा नाम अशोक बजा है, मैं खड़ा हूं, और 10 वर्ष पूर्व जो मैंने अपना मिशन बनाया था वो ये बनाया था कि हिंदी शिक्षण के लिए जितना हो सकता है मैं स्वयं करूंगा, और मैंने एक नीति बनाई थी कि भले ही मैं एक माता पिता को कन्विंस कर दूं, उनको इस बात को समझा दूं कि हिंदी पढ़ाना चाहिए, अगर वो समझ गए, अपने एक बच्चे को भेजा, तब भी मैं उसे पढ़ाऊंगा। अब आप जानते हैं कि मुझे कोई नौकरी या जो नियमित मासिक आय की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ निजी तौर पे ठीक ठाक है, लेकिन आज हाँ स्टार टॉक से फंडिंग मिलती थी, सब बड़े स्कूल हम रेंट करते थे, ये नहीं हो पाएगा। लेकिन 2020 से प्रकाश जी हमने जो ऑनलाइन पाठ्यक्रम किया है, अभी वो उसका मैं नहीं कह सकता कि भविष्य क्या होगा, लेकिन उसमें भी माता पिता ने भेजा। अब ये है कि मैं उसमें उनसे नहीं कह सकता कि आप मुझे ज्यादा आर्थिक सहयोग करो, क्योंकि डर है कि वो नहीं हिंदी सीखे ही नहीं, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य है हिंदी सिखाना। तो जो भी सीमित संसाधन है, कुछ शिक्षक हैं वॉलंटियर बनने के, जो उनको प्रशिक्षित किया है मैंने स्टॉक को, 10 ऐसे शिक्षक हैं जो कि साथ में आते हैं पढ़ाने के लिए, और जो भी अनुदान, मतलब जिनको पारिश्रमिक देने का हमें समर्थ है, दे सकते हैं संस्था की ओर से। हर रविवार को 2 घंटे के लिए ऑनलाइन हिंदी पढ़ाते हैं। 2020 में प्रयोग सफल हुआ था, 2021 में हमने पूरा स्टार टॉक कार्यक्रम किया ऑनलाइन, 18 दिनों का रोजगार, बच्चे आ रहे हैं, पहली कक्षा से लेके 12वीं तक के बच्चे आते हैं, बच्चों में ये इच्छा है, उनमें इनिशिएटिव है, वो सीखना चाहते हैं और सीखते हैं जी। लेकिन ये कब तक हो पाएगा मैं नहीं कह सकता। अब कल से जो कार्यक्रम शुरू रहा है वो फॉल सेमेस्टर है, फरवरी 2022 से हम शुरू करेंगे 3 महीने का कार्यक्रम, वो स्प्रिंग का होगा, कितने आएंगे मैं नहीं कहता, लेकिन मेरा प्रयास जारी रहेगा। 4 बच्चे भी आएंगे तो मैं उनको पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर हमें युवा हिंदी संस्थान को संसाधन प्राप्त होते हैं, अगर हम निःशुल्क शिक्षा देने के योग्य, उनके लिए हमारे पास है सुविधा, तो ये बहुत बड़ा कार्य होगा अगले कुछ वर्षों के लिए, और एक परंपरा बनेगी, मैं करूं या ना करूं, जो भी हिंदी से जुड़े लोग हैं वो उसे कर सकते हैं। लेकिन सचमुच भविष्य क्या होगा इसके बारे में तो हम सिर्फ योजना बना सकते हैं, स्वरूप क्या होगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि भारत में भारत के नीति निर्धारकों, भारत के पेशेवर लोगों हिंदी में से जुड़े हुए, इस बात पर सोचें और सामग्री बनाएं कि वहां साधन है। साहित्य की बात करने से और साहित्य का उदाहरण देने से ऊल जलूल में करता जाओ, प्रकाशन बनाना, नीतियां बनाना, अंग्रेजी के माध्यम से हिंदी बनाना, अगर ये सब चलता रहा तो निश्चित रूप से प्रकाश जी हिंदी का भविष्य अंधकारमय है, भारत में भी और भारत के बाहर। आपके अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अगले सम्मेलन की क्या तैयारी है, कब होगा या नहीं होगा? देखिए, 2 सम्मेलन करने के लिए मुझे न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय और रटगर्स से सहायता मिली, क्योंकि उन्होंने अपनी जगह दी मुख्य रूप से, फिर भारतीय कौंसल आवास ने दी, बाद में भारतीय कौंसल आवास को लगा कि ये सम्मेलन वगैरह फिजूल की बातें हैं, समारोह करेंगे, उन्हें करते रहते। अगर हमें इस तरह के सहयोग प्राप्त होंगे, क्योंकि आप
कोई भी विश्वविद्यालय में जाएं उनसे कहें कि हम मिल करके करना चाहते हैं, पहला कहेगा कि हमारा ये फीस है, चार्जेज हैं हॉल के इसके उसके। तो अगर मुझे आर्थिक साधन अनुदान प्राप्त होते हैं तो ये तो हो पाएगा। अगर नहीं हो पाते हैं इवन कौंसलेट में भी, कौंसलावास में भी, ये निर्भर करता है कि जो प्रधान कौंसल है वो किस प्रवृत्ति का है। तो ये मैं नहीं करता प्रकाश जी, और सम्मेलन तो चाहे भारत में हो चाहे अमेरिका में चाहे कहीं भी हो, उसका विश्वव्यापी असर होता है। आज भी हमारे सभी सम्मेलनों के विवरण वेबसाइट 21stcenturyhindi.com पे हैं, आपको मैंने उसको लिंक दिया। उसको आगे बढ़ाने के लिए ये कोविड की समस्या है, हाँ ये वेबसाइट कोविड के कारण ऑनलाइन ही हम सोचते हैं, लेकिन ये तो समस्या कभी तो कम होगी ना। जो फेस टू फेस हम सम्मेलन करते हैं उनका अलग ही एक सुख है, असर है जी। ये भारत में हो सकती है, यहाँ भी, बशर्ते कि विश्वविद्यालय और संस्थाएं मेरे साथ सहयोग करने के लिए तैयार हो। अशोक जी, हमारे इस कार्यक्रम का समय समाप्त होने को है, लगभग 52 मिनट हो चुके हैं हमारी बातचीत को। अरे वाह, क्या बात। मैं इसे अब यहाँ विराम देना चाहूंगा और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हम सब आपके साथ हैं। हिंदी सप्ताह के अंतर्गत आज हमारी ये बातचीत हुई और आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। आपने बताया कि अभी आपको 9:11 वाले एक कार्यक्रम में भी जाना है, तो इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और हमसे बात, धन्यवाद। अच्छा लगा, धन्यवाद प्रकाश जी। मित्रों, इस कार्यक्रम के बारे में आप अपनी राय मुझे लिख सकते हैं, मेरी वेबसाइट पर बता सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर भी कमेंट लिख सकते हैं, या ट्विटर या फेसबुक पर भी अपने कमेंट लिख सकते हैं। आप इस कार्यक्रम को फेसबुक पर, ट्विटर पर और लिंक्डइन पर, यूट्यूब पर देख सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाले कार्यक्रमों की सूचना आपको आगे भी मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और हिंदी के बारे में न्यू जर्सी से, अमेरिका से अशोक ओझा जी से हमारी बातचीत को आपने सुना, उस पर गौर किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी के प्रति हमारी शुभकामनाएं और हम लोग अगले कार्यक्रम में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप कृपया